का मिलता है वो भी प्रत्येक महीना में नहीं मिलता है, लोग 3-4-5 महीना वेटिंग में रहना पड़ता है। तो झारखंड में सबसे पहले मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा अभियान लेकर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग सिलसिला जारी है और सारा प्रयास रहेगा कि चतरा जिला में इतना सड़क खराब है, लगभग दूध स्तर पर टेंडर भी हो गया है जो मरम्मती भी हो रहा है और नए कामों का हम लोग शुभारंभ करेंगे। जैसे गड़िया गुजर, जैसे सड़क आजादी 75 रोजनी जाने बाद भी कोई भी डिलीवरी केस हो या शादी हो या बाबा भगवान की बातें हैं वहाँ पर दिक्कतें होती थी, लेकिन अब सड़क हो जाने पर वहाँ बहुत सुविधा मिल रहा है। थुंदा में से कई गाँव है जहाँ सड़क नहीं है, पुल नहीं है, इस सब पर प्राथमिकता देते हुए हम लोग काम करना ये भी ध्यान देना है। डीसी साहब से आग्रह है कि जो गाँव में आजादी सहायता काम होते आ रहा है उसको थोड़ा वेटिंग में रखे। जैसे कोई भी गांव में सड़क, कोई स्कूल जो बन रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, बन रहा है, क्या सकता नहीं है, खेत क्या लोग बना रहे हैं, तो जो गांव जो समाज पिछड़ा हुआ है उसको प्रायोरिटी लिस्ट में दे करके आगे लगे, ताकि लगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ काम हो रहा है। और जहाँ लोग जागरूक हैं, जहाँ लोग प्रखंड में अंचल में जिला माते जाते हैं वहाँ तो काम हो ही रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग आते नहीं, जो विकास से वंचित हैं, जो प्रखंड चक्कर नहीं काटते हैं, उसे लोगों को प्राथमिकता देते हुए हम लोग काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, उसी जगह पर जो SC ST की OBC जो अल्पसंख्यक जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र में बसा हुआ है, जैसे पेड़ी में भी सड़क नहीं था वहाँ बन रहा है, उसी तरह का कोलवर गाँव है, लूटा फटा है, आपको रजगुरु है, तो इस तरह पिछड़ा हुआ जो गाँव है उस पर प्रायोरिटी लिस्ट में रख करके काम करना बेंगवा करी है। जहाँ आज तक काम नहीं हुआ तो कुछ न कुछ काम वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि योजनाएं जो भी चलती है सभी समाज के लिए, सभी के हित में, सभी के लोगों के लिए, तो हर लोग को लाभ मिले, वंचित वो नहीं रहे। और जो भी सरकार के संसाधन है वो हर व्यक्ति तक पहुँचे, यही लक्ष्य कर हम लोग सबको काम करना है। और जहाँ तक जो सहयोग का पीछा है, हम हमेशा विधायक होने नाते, मंत्री होने नाते, हम सभी तरह अधिकारी को सहयोग करते हैं, किसी को बीपी नहीं बढ़ाते हैं, परिश्रम नहीं देते हैं, कि जो नियम है, जो कानून है उसको अगले जब अपनाइए और अपने जो सरकार के जो दिशा निर्देश है पालन करिए और फिर ही मोड में काम करिए। फिर मोड में ऐसा नहीं लगे कि मंत्री जी के परिसर है हम कैसे करें, तो दिन भर खाने नहीं खाइए, पानी पीना छोड़ दीजिए, छुट्टी लोग भर जाइए, तो किसी से हम लोग बातों नहीं करते हैं, बात करते हैं जो जरूरत उसी से। इसलिए फ्री मोड में काम करिए। चतरा में कोई भी विभाग हो, जितना झारखंड में विभाग है सब विभाग का दायित्व अलग अलग है, तो जो भी जो विभाग के जिनके जो हमारे हैं जो जिला के अधिकारी हैं उसको कुछ कुछ परिवर्तन बदलाव जरूरत है। तो ऐसे खाली खाना पूर्ति करना है, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकार को जाए, कोई जाए, सांसद विधायक कोई बने, उसे कोई फर्क नहीं, मेरा अपना शासन है। ये दिमागों का कन्वर्ट कर देना है कि शासन में कोई परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, और अपने चाहिए कि हजारीबाग में एक बात के डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया था, फोन नहीं उठाया, अभी उसको कहा कि कौन है, बात नहीं करें, जो बोले DC का माध्यम थे उसको सस्पेंड करो, उसका अपना शासन, जब मंत्री से बात करो तो मुखिया प्रमुख और प्रचार समिति से प्रभारी मंत्री का आदेश मिला, तो अपने ढंग से अपने ये मत समझिए कि हम सरकार हम ही हैं, ये काफी पावर है, संवैधानिक अधिकार है, ऐसा नहीं सरकार हम ही हैं जो चाहेंगे वही हो। सभी को बात को सुनिए, काम करिए, हर लोग नाम ले की प्रयास करिए कि हम यहाँ रहे नहीं रहे, तबादला तो पतन परिवर्तन होते रहता है, हम जहाँ भी जाए तहाँ लोग नाम ले कि नहीं अब अच्छा थे, अच्छा काम करते थे, वैसे अब अधिकारी यहाँ जरूरत है, इस टेप काम करिए, कोई परिश्रम नहीं, जो नियम पालन उसके धैर्य में रखकर के लोगों को लाभ दीजिए और नाम कमाइए, यही मेरा सभी से आग्रह है। तो आज के दिन ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और बैडमिंटन क्लब आज से शुरू हो जाएगा, मुझे बहुत खुशी है इस अवसर पर आप लोगों को, आप लोगों के सहयोग के लिए और सभी एजेंसीज को, इन्होंने इन काम को पूरा किया, लंबे समय से इन सब खेल कूद सुविधाओं की अभाव चतरा में थी, परंतु माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य सम्पन्न हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा भी निरंतर जो है जिला में आगमन हो रहा है, विकास कामों की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ साथ
आज के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छे दिन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है नौकरी प्रदान कर रहे हैं स्थापना शाखा के द्वारा अनुकंपा पे 14 लोगों को आज नियुक्ति दी जा रही है। और NHM में जो बहुत दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे और हमेशा जो है जनता दरबार में और अलग जगह से जो है हम लोगों के आवेदन मिल रहे थे, इनकी भी नियुक्ति आज की जा रही है। सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को आज दिया जाएगा क्योंकि समय का अभाव है। और पहली बार इटखोरी महोत्सव के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है। पूर्व में कभी इस वेबसाइट का नहीं था, सोशल मीडिया भी इटखोरी महोत्सव का नहीं था, जिसके कारण देश विदेश में लोगों को सूचना पाने में दिक्कत हो रही थी, तो आज हम लोग उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। और साथ में नियम के अनुसार DFT का भी वेबसाइट एक होना था जो कि अब तक नहीं हुआ था, उसका भी हम लोग आज उद्घाटन करेंगे। इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, विशेष करके माननीय मंत्री जो चतरा जिला के ही हमारे हमेशा आगे रहे और हमेशा जो है गाइडेंस दिया, माननीय सांसद और अन्य प्रतिनिधि महोदय भी और सरकार के द्वारा। तो मैं इस अवसर पर मुख्य अभिभाषण के लिए, मुख्य स्पीच के लिए हमारे माननीय मंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमें अपना आशीर्वाद जो है।